अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल ख़ान। आज सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं टॉप स्टोरीज़ पर। जो स्टोरीज़ आज प्रोग्राम के अंदर हम शामिल करने जा रहे हैं, सिंध में 129 गैर कानूनी अफगान महाजिर ख़वातीन 178 बच्चों के साथ जेलों में मौजूद हैं। ये आज प्रेस ब्रीफिंग दी है सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने, और ये एक गलत तासुर था जिसकी वजाहत करते नजर आए कि माओं के साथ जेल में मुकीम 178 बच्चों को गिरफ्तार नहीं किया गया, देखभाल के लिए वहां पर उनके साथ मौजूद हैं। सिंध हुकूमत ने ख्वातीन और बच्चों के साथ जिंसी ज्यादती के वाकयात पर आज बड़ा फैसला सुना दिया है, जबकि सिंध हुकूमत ने जिंसी ज्यादती के खिलाफ मराकज कायम करने की भी मंजूरी दे दी है। सेल कायम कर दिए गए हैं, पहला सेल कराची के अंदर ही कायम किया गया है, और साथ जराइम को काबू करने के लिए मौसर इकदामात करने की हिकमत अमली बना ली गई है। यह कहना है डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास साहब का। आज मुलाकात की ताजिर बरादरी से, और ताजिर बरादरी मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और जो खतरात लाहक हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उस पर आज ब्रीफली डिस्कशन हुआ है। साथ साथ बड़ी खबर यह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी को एक करने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है, पेशरफ होती दिखाई दे रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी से मुलाकात, जबकि कराची के अंदर एक और बड़ा मसला जो है वो सामने आ चुका है। कराची के अंदर रोटी की कीमत में भी इजाफा हो चुका है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि हुशरबा इजाफा हो रहा है शेख खुर्दनोश की कीमतों में। अब नान भाई एसोसिएशन जो है उनकी जानिब से कराची में नान की कीमत बढ़ाकर 20 रुपये कर दी गई है, इस पर भी आज जो है वो बात की जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे सिंध में 129 गैर कानूनी अफगान महाजिर खवातीन 178 बच्चों के साथ जेलों में मौजूद हैं। ये मसला क्या है पहले जरा से मैं आपको समझा दूं, उसके बाद फिर हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद होंगे। सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स वायरल हुई और उस पर तनकीद की गई। तनकीद ये की गई कि ये जो है वो गैर मुल्की बाशिंदों को पकड़ा जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, उनके बच्चों को भी जो है वो जेलों में डाला जा रहा है। एक गलत तासुर देने की कोशिश की गई, जिसके ऊपर आज सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ब्रीफली इसको जो है वो डिस्कस किया और बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो गैर मुल्की बाशिंदे होते हैं इस मुल्क के कानून के तहत उन पर जो है मुकदमात भी दर्ज होते हैं और 2 महीने से ज़्यादा सजाएँ नहीं दी जाती हैं, लेकिन प्रोटोकॉल का तकाजा जो होता है उसको पूरा करते हुए बच्चों की देखभाल के लिए बच्चों को उनके साथ रखा गया। इस पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ हारून रशीद रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद है। हारून, ये मामला क्या है जरा बताइएगा। देखिए बिलाल साहब, गुज़श्ता दिनों कुछ सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे चली थी, जिसमें पाकिस्तान और खास तौर पर सुबह सिंध को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि गैर मुल्की खवातीन जो कि सिंध की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं और इनके साथ बदसलूकी की जा रही है, और इस तरह की समझ लो कि पाकिस्तान और सुबह सिंध को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। आज सूबाई वजीर इत्तला'आत सिंध शर्जील इनाम मेमन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन तमाम चीज़ों की वाजिया किया है, और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि ये सब चीज़ें जो है सिंध की जेलों के मुतालिक अफवाहें फैलाई गई हैं, ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं है। जबकि उन्होंने इस बारे में शर्जील इनाम मेमन का मजीद कहना था कि 139 खवातीन अफगान खवातीन है जो कि कराची की जेलों में कैद हैं, और कुछ खवातीन सिंध की जेलों में भी है। इनके साथ 178 बच्चे हैं जो इन खवातीन के साथ है, और पाकिस्तान के अंदर खवातीन के साथ 7 साल से कम उम्र के बच्चों का कानून मौजूद है। कोई भी खातून जो गिरफ्तार होती है तो 7 साल के से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं वो जेल में खवातीन के साथ होते हैं, और खास तौर पर जो सोशल मीडिया में तस्वीरें जारी की गई थी वो लांडी में बच्चा जेल का नाम लिया गया था। लेकिन इस चीज में वजीर इत्तला'आत इस बार को 2 दफा दोहराते हुए नजर आए कि फिर बता दूं कि सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वायरल हुई है वो सिंध के किसी भी जेल की नहीं है, इसकी भी वजाहत करते नजर आए। जी जी बिल्कुल, उन्होंने वाजे कहा कि ये जो तस्वीर जारी की गई है सिंध की किसी भी जेल की तस्वीर नहीं है, ये कहीं और की है, और इसको तस्वीरों को सिंध की जेलों का नाम देके सिंध हुकूमत को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। हम इसकी सख्त अल्फाजों में उन्होंने तर्दीद की है और कहा है कि दूसरा इस एक खास तौर पर इस जेल का जिक्र किया गया है, लांडी बच्चा जेल। अच्छा बलाल साहब, लांडी बच्चा जेल जो कि ये किसी दौर में लांडी के अंदर एक जेल है जिसको डिस्ट्रिक्ट मलिर जेल का नाम दे दिया गया है, ठीक है, और ये मशहूर जो है वो लांडी बच्चा जेल के नाम से है। अच्छा, इस जेल के अंदर हमने खुद भी, मैंने 2-3 दफा इस जेल का विजिट किया और मुख्तलिफ गया हूँ, यहाँ पर कोई भी खवातीन कैदी
किसी भी केस के अंदर कोई गिरफ्तार भी होती है तो वो लांडी बच्चा जेल यानी कि डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर में नहीं होती, इन तमाम खवातीन को सेंट्रल जेल में रखा जाता है। अच्छा, क्योंकि इसमें तो एक चीज तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जो ना तस्वीरें शर्जील इनाम मेमन जो कि सूबाई वजीर सिंध हैं, उन्होंने ब्रीफिंग भी दी है कि एफआईए की तरफ से अदालत में पेश किया गया था जो गैर कानूनी बाशिंदे हैं, जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो फिर बच्चों को साथ रहने की इजाजत थी, वो भी जरा ब्रीफ कीजिएगा हारून। देखिए इस चीज के अंदर ये क्योंकि सिंध हुकूमत के और मौजूदा अदालत का और लॉ ऑफ कानून है कि किसी भी जो गैर मुल्की अगर खवातीन है, अगर 7 साल का बच्चा कम है तो वो उनके साथ जो है ना रहेगा। उन्होंने कहा कि इसमें हमने दूसरों को भी जो है ना इंटरनेशनल सतह पे भी उन्होंने कहा है कि अगर कोई इंक्वायरी करना चाहे, कोई टीम तश्किल दे के सिंध की किसी भी जेल पर विजिट करना चाहे तो हम उनको इस चीज़ की भी दावत देते हैं। और कोई भी किसी भी अफगान बच्चे किसी भी जेल में कैद नहीं है। शर्जील इमरान मेमन का मजीद कहना था कि हुकूमत की यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और 7 साल से कम उम्र के बच्चों को माओ के साथ रखने का कानून भी मौजूद है और सूबाई हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के इकदाम कर रही है। ठीक है, शर्जील इनाम मेमन ने इनको डिपोर्ट करने के हवाले से भी बात की है कि 2 माह की सजाएं हैं 54 खवातीन को, फिर उसके बाद इन्हीं 54 खवातीन को अपने बच्चों समेत डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ये सजाएं कब खत्म हो रही हैं? देखिए ये अभी पिछले दिनों कुछ 1-1.5 महीना पहले खवातीन को जो कि अफगानी जो कि गड़ाप का इलाका है सुपर हाईवे इस तरफ पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरक ऑपरेशन करते हुए इन तमाम गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया था। इस एरिया में ये एक अफगानिस्तान से गैर कानूनी तरीके से बस के जरिए जो है वो कराची में दाखिल हुई थी। अच्छा, तो इनको रोक कर जो है ये इन खवातीन को गिरफ्तार किया था और इनकी गिरफ्तारी की बाकायदा खबर K21 न्यूज भी ब्रेक कर चुका था और ये 2 बसों में आई थी खवातीन और जिनके साथ अक्सरियत खवातीन की थी, मर्दों की कम थी। ठीक है, इस तासुर को खत्म करने के लिए बाकायदा तौर पर वीडियो भी चलाई जो खवातीन जेल है उसमें बच्चों को खेलते कूदते भी देखा जा सकता है, खुराक हासिल करते भी देखा जा सकता है, तमाम सहूलियात उनको फराहम की जा रही हैं और मीडिया को भी दावत दी कि रसाई हासिल है, DIG जो है उसके हमरा ये जेल का दौरा भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी अगर पाकिस्तान कराची के अगर कोई मीडिया वाले किसी भी जेल के अंदर विजिट करना चाहे और इन पे कोई अपनी रिपोर्ट बनाना चाहता है तो हम मेरी तरफ से उनको दावत है वो जाएं और जाके अपनी वो पूरी रिपोर्टिंग करें और इसमें कोई भी वहाँ की जेल इंतजामिया किसी चीज में भी आपको रिपोर्ट नहीं बनेगी। अगर इंटरनेशनल सतह पे कोई तंजीम या कोई मुमलिक की टीम आके अगर सिंध की जेलों का विजिट करना चाहते हैं तो मैं उनको भी दावत देता हूँ कि वो आए और इनको चेक करें। ये सरासर जो है सिंध हुकूमत को बदनाम करने की एक नाकाम साजिश की जा रही है और जो कि ये तस्वीरें सोशल मीडिया में जारी की गई है इनका सिंध की किसी भी जेल की नहीं है और बल्कि ये लांडी जेल। ठीक है, तो हम मूव करेंगे दूसरी स्टोरी पर हारून। सिंध हुकूमत ने जो खवातीन और बच्चों के साथ जिंसी ज्यादती के वाकयात के लिए बड़ा फैसला किया है, वो बड़ा फैसला है क्या? देखिए अगर हम बात करें तो गुज़श्ता 2 महीने के अंदर कराची शहर के अंदर सिर्फ 5 से ज्यादा जिंसी ज्यादती के वाकयात हुए हैं। इसके बाद अगर हम पूरे साल की बात करें तो 27 से ज्यादा वाकयात जो है वो रिपोर्ट हुए हैं और जिसमें बच्चों के साथ मासूम बच्चियों के साथ जिंसी ज्यादती करने के बाद उनको कत्ल कर दिया जाता था और जिसमें से कुछ मुलजिमान गिरफ्तार भी हुए और कुछ अगर हम वाकयात की बात करें तो जिसके अभी तक मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हो सके। इन तमाम चीजों के जो गुज़श्ता 2 महीने के अंदर के दौरान जब वाकयात को एकदम इतने इस हद तक बढ़ चुके थे तो इसके बाद सिंध हुकूमत को इस मसले अहम इशू को लेके बैठ गई थी और बलाखर आज जो इन्होंने सिंध हुकूमत ने खवातीन और बच्चों के साथ जिंसी ज्यादती के वाकयात के बढ़ने पर एक बहुत बड़ा फैसला किया है और इन्होंने बाकायदा कराची के अंदर एक एंटी रेप सेल कैम्प करने की मंजूरी दे दी गई है जिसमें तमाम हर चीजों को जिसमें डॉक्टर वगैरह का स्टाफ वगैरह भी मौजूद होगा। अच्छा, इसके सिंध हुकूमत ने मजीद जिंसी ज्यादती के वाकयात का मरकज कैम करने की मंजूरी दी है। इस सिलसिले में जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहला सेल पुलिस सर्जन ऑफिस कराची में कायम होगा। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया कि जिंसी ज्यादती का शिकार होने वाली ऐसी एंटी रेप सेल से इतना हासिल कर सकेंगे, ये सेल मुतासरा मर्द और खवातीन बच्चों और ख्वाजा सोनों की मामनत करेगा और इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट और एंटी रेप
क्राइम सेल की जो टीमें 24 घंटे फाल रहेंगी और मुतासरीन को मेडिकल सर्टिफिकेट हमारे नफ्सियात कानूनी खिदमात भी फराहम की जाएंगी। ठीक है, पहले सेल का तो आपने बताया कि जल्द कायम कर लिया जाएगा पुलिस सर्जन ऑफिस कराची के अंदर, मजीद इसके जो सेंटर्स हैं वो कहाँ कहाँ कायम किए जाएंगे? जी देखिए, इसके जो मजीद जो सेंटर कायम किए जाएंगे इसमें जो है दो हैदराबाद में बताए जा रहे हैं, इसके बाद एक सखर में होगा और एक लाड़काना और शहीद बेनजीर भुट्टो आबाद में भी एक सेंटर का सेल कायम किया जाएगा। इस तरह को अगर हम कुल तादाद की बात करें तो कराची समेत जो है मैक्सिमम 5 से ज्यादा सेंटर कैंप किए जाएंगे जिन पे जो है तमाम ये सहूलियात उन खवातीन को उन बच्चों को दस्तियाब होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। हारून मशीन तमाम तरसूरतेहाल से आगाह कर रहे थे। शर्जील नवाब मेमन ने बहरहाल इस चीज़ की जो है वो वजाहत कर दी है कि ये जो मामला था सोशल मीडिया पे उठाया गया और इस मामले को जो है वो बड़ा उछाला गया कि गैर मुल्की जो बाशिंदे हैं उनको इस वक्त हिरासत पर रखा गया और बच्चों के साथ भी जो इंसानी हकूक़ की ये खिलाफ वर्जी है इसको जो है वो कमरे अदालत में भी डिस्कस किया गया, लेकिन आज जो है वो वजाहत की गई, बहरहाल वो क्लियर हो गई है। आज बात कर लेते हैं ताजिर बरादरी के हवाले से। हमने आपको बताया था कल के रोज़ जो औकात कार थी उसके हवाले से बात की गई थी, सईद गनी ने मुलाकात की थी ताजिर बरादरी से कमिश्नर ऑफिस के अंदर, लेकिन आज डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास ने मुलाकात की है ताजिर बरादरी से और ताजिर बरादरी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, ये उनका कहना था। जराइम को कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम भी कर रहे हैं जबकि ताजिर बरादरी की जानब से बड़े जो है वो तश्वीशनाक जो है वो जुमले अदा किए गए हैं वो भी आपके सामने रखता चलूँ। ये एक मामला जेर बहस आया, उसमें ये बात कही गई कि इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है गायबाना तौर पर जो है वो शॉर्ट टर्म किडनैपिंग्स भी हो रही हैं और दूसरी चीज़ जिस तरह से भत्ते की पर्चियाँ आती थी वो भी रिपोर्ट की गई हैं आज की इस मीटिंग के अंदर कि अभी तक ऐसे मामलात हैं जिनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जहाँ तक ये बात भी जो है वो सामने आई कि कहा गया आज की इस मीटिंग के अंदर आज की इस ब्रीफिंग के अंदर कि जो रेंजर्स है उसका खौफ अभी भी बरकरार है, जो जराइम करने वाले लोग हैं जराइम पेशा अनासर हैं इन लोगों को रोकने के लिए रेंजर्स को हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ ताजिर बरादरी की जानिब से चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ऑन कॉल मौजूद है। अतीक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। आज की मुलाकात डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास से क्या कहेंगे, इत्मीनान बख्श थी? देखिए, रेंजर्स की सलाहियतों पर किसी को इनकार नहीं और तसल्ली तशफी भी सब देते हैं शहर के इस बेअमन हालात में, हर कोई कहता है कि बेहतर से बेहतर हिकमत अमली अख्तियार की जाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2000 रेंजर्स बेख्तियार थी और आपने दिखा कि शहर का क्या हाल था, भत्ता और अगवा बनाए तवान दहशतगर्दी और टारगेट किल थी। अब यही सूरत हाल दोबारा हम देख रहे हैं और रेंजर्स एक दफा फिर बेख्तियार है। 2013 में वही रेंजर्स थी मिले और उसने शहर का नक्शा बदल दिया, कहा तो शहरी बेअमान थे, फिर जुराइम पेशा नासिर उनको कहीं पनाह नहीं थी, तो हम वो उसी रेंजर्स को दोबारा देखना चाहते हैं। ठीक है। जो कि हमें कहीं नजर नहीं आती, रेंजर्स को बाख्तियार करना हुकूमत सिंध के मुफाद में नहीं है, यही सबब है कि हुकूमत सिंध ने वफाक से रेंजर्स के लिए वो खसूसी अख्तियार जिसकी बुनियाद पर रेंजर्स वो जो 90 डेज की कस्टडी का अख्तियार और उसके अलावा मुजरिमों की फाइलें तैयार की जाती थी FIR के लिए। क्या ताजिर बरादरी की जानिब से जो आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुलाकात की कि ये भी कहा गया कि 2 साल के लिए शहर को रेंजर्स के हवाले कर दिया जाए? देखिए मुतालबात और ताजिर यही चाहते हैं कि पुलिस और रेंजर्स का जो इश्तराक अमल है वो भी जारी रहे और रेंजर्स मुकम्मल तौर पर शहर में कम अज कम 2 साल के लिए यानी इसके कंट्रोल में दे दिया जाए, क्योंकि पुलिस के बस की बात यूं नहीं है कि पुलिस पॉलिटिसाइज है, पुलिस में सलाहियतें जरूर हैं लेकिन पुलिस को काम करने से इसलिए है कि ज्यादातर मुजरिमान है जो के जो ताकतवर मुजरिम है वो किसी ना किसी सियासतदान की पनाह में काम कर रहे हैं,
सरप्रस्ती में काम कर। ठीक है अतीक साहब, लेकिन लेकिन डीजी रेंजर्स इन फैक्शन फिगर्स पे भी बात करते नजर आए, खास तौर पर जो काबिल गौर बात है, उन्होंने ये कहा कि 720 स्ट्रीट क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो बेल आउट हो चुके हैं, ये भी एक बड़ा मसला है। फिर रेंजर्स के हवाले से बात की कि 23,000 हमारे पास इस वक्त जवान मौजूद हैं जो ड्यूटीज पर मामूर हैं। पुलिस के हवाले से कहा कि 1,08,000 जो इनके एहलकार हैं। तो ये मजमुई तौर पर अगर कलेक्टिवली मैं बात करूं तो क्या ये जवान या एहलकार मिलकर जराइम पर काबू पा सकते हैं, नहीं पा सकते, मुतमईन कर सके आपको आज आज की इस मीटिंग में? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए कि देखिए पुलिस की नफरी तो है लेकिन 85-90% पुलिस प्रोटोकॉल ड्यूटीज पर है, खुद अपने अफसरान की हिफाजत पर मामूर है। शहरियों को तो 10% पुलिस मैसर नहीं। इसी तरह अगर सादात 7 से 8 हजार है तो रेंजर जो शहर में ड्यूटी सर अंजाम देती है वो 2.5 से 3 हजार है। तो ये महज अब फर्जी बातें कि वो 2.5 हजार भी बहुत बड़ा काम कर सकती है, लेकिन उसे बाख्तियार किया जाए, उसे वो तमाम अख्तियार दिए जाएं जो 2013 में तफवीज किए गए थे। अच्छा, आज की इस मुलाकात में ताजिर बिरादरी ने जिन तहफ़ुज़ात का इजहार किया उसमें अगर मैं साइलेंटली अगवा की वारदातें हैं वो भी कोट कर सकता हूँ, बैंक से पैसे निकलवाना इस वक्त सेफ नहीं है, फिर जो भत्ते की पर्चियां हैं वो भी आ रही हैं, फिर जो ब्लैक मनी है अरबों रुपए का यहाँ पर मामला करप्शन का भी है वो भी ताजिरों के सामने, और कौन कौन से ऐसे तहफ़ुज़ात हैं जो रखे गए सामने? देखिए सबसे बड़ा तो ये कि बैंकों से रकम की नकल व हमल, उसके बाद कारोबारी मराकज में लूटमार, रातों को दुकानों की और जिस तरह दोबारा से डकैती के दौरान लोगों को कत्ल किया जा रहा है, यानी जुराम पेशा अनासिर का हौसला इतना बढ़ गया है कि वो कत्ल करने से दुरेज नहीं करती, ये तमाम चीजें सामने रखी गई, लेकिन वादे भी हुए कि इस पर बेहतरीन स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, शहर को पुरमन किया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ बातों से शहर पुरमन हो सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिक मीर हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद, और आज की ये जो मुलाकात है बड़ी अहम मुलाकात है क्योंकि डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास ने ये इस बात की जो यकीन दहानी कराई है कि जराइम पर काबू पाने के लिए रेंजर्स भी सर फहरिस्त रहेगी, सड़कों पर स्नैप चेकिंग पिकटिंग गश्त करती नजर आएगी, कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं मुश्तरक तौर पर पुलिस और रेंजर्स की जानिब से, जबकि पुलिस के पास एक बड़ा फिगर मौजूद है, 1,48,000 जवान मौजूद हैं, रेंजर्स के पास 23,000 जवान मौजूद हैं, और खदशात जो जाहिर किए वो बड़ी बात है जो काबिले गौर है, 720 स्ट्रीट क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो बेल आउट हो चुके हैं। अब ये जो किडनैपिंग है, रैनसम फॉर ये जो अगवा बराए तावान की वारदातें हैं, फिर बैंक से पैसे निकालना इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, दाखिली खारजी रास्ते महफूज नहीं हैं, फिर डीजी रेंजर्स ये भी कहते नजर आए मनशियात की रोकथाम इंतहाई ज़रूरी है, क्रिस्टल मैथ आइस का नाम लेते नजर आए कि इसने नौजवान नस्ल को बिगाड़ दिया है और इसकी ही वजह से जराइम के अंदर इजाफा हो रहा है। अब देखना यह है कि एक तरफ आईजी सिंध है दूसरी तरफ डीजी रेंजर्स हैं, दोनों मुश्तरक तौर पर क्या स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं कराची को जराइम से पाक करने के लिए। वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद कुछ और स्टोरीज भी हैं उनको भी आपके सामने रखेंगे।